हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग से व्लॉग शुरू कर लिया मैंने। लेट मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है। तो ये संडे का दिन था और मैं यहाँ पर लंच भी प्रिपेयर कर रही थी। साथ में मैंने आज सोचा कि यश को भी संडे के दिन कुछ नया ट्राई कराते, तो आज मैं उसको ट्राई कराने वाली हूँ ओट्स बनाना। तो बनाना तो वो खा चुका है और अब उसने क्वान्टिटी भी बढ़ा ली है। पहले मैंने आपको दिखाया था जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो थोड़ा सा ही बनाना मैंने उसको दिया था एक दिन, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ा दिया। तो 1 वीक हो चुका है, तो अब वो हाफ बनाना या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे प्योरी करके देती हूँ तो मैं खा लेता है। तो ये ओट्स है मेरे पास। तो ये आप जो टीस्पून देख रहे हो ना, उसी से मैंने 5 टीस्पून ऐसा कुछ डाल दिया है। तो इसको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसका पाउडर बनाने वाली हूँ। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका पाउडर बना के रख लें और सिर्फ उसके बाद जब खाना हो, खिलाना हो, तब आप इसको रेडी कर लें, और दूसरा आप बना लें और उसके बाद इसकी प्यूरी कर लें। बट क्योंकि बहुत ही थोड़ा अमाउंट में अभी बच्चे को देना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर आप पाउडर ही बना ले तो ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो बनाना तो उसको सूट हो ही गया था, तो बनाना भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी फॉर स्वीटनेस। वैसे आप प्लेन ओट्स भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्वीटनेस उसको ऐड कर दूंगी ताकि उसको और अच्छा लगे। और मोस्टली बच्चों को जो ओट्स है ना, वो पसंद ही आता है, तो मैं मान करके चल रही हूँ। आरफ को तो अभी तक बहुत पसंद है और बहुत अच्छा फाइबर होता है, बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ओट्स। ओट्स है, रागी है, ये तो बच्चों को मतलब एज सुन एज पॉसिबल आप इंट्रोड्यूस करा ही दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे पेट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, पेट में थोड़ी ठंडक बनी रहती है, तो उनका डाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर ओट्स के अंदर मतलब बहुत सारा फाइबर होता है ना, तो ये एक तो बच्चों को ज़्यादा देर तक फुल रखता है, बार बार भूख नहीं लगती है। दूसरा डाइजेशन के लिए काफ़ी लाइट रहता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कैसी वगैरह फील करते हैं, तो उनको अगर आप ओट्स खिलाते हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क कर देता है। मैंने तो आरव के केस में देखा था, उसको ओट्स खिलाते ही उसका कॉन्स्टिपेशन या पॉटी वगैरह नहीं आई है तो तुरंत एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि वो एकदम फिजिकल एक्टिविटी हम बड़ों के जैसे नहीं कर पाते, तो समटाइम्स उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फिर चिड़चिड़े से भी होते हैं, तो उस टाइम पर ओट्स आप खिला सकते हो, उससे मतलब बहुत अच्छा आराम मिलता है। और उसके अलावा इसके अंदर आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। तो अगर आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी है तो भी आप ओट्स ज़्यादा खिला सकते हो बच्चों को, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है, आप ऐसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना करके रख सकते हो। और उसके बाद ना इसको मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है और उसमें ये ओट्स का पाउडर 2 चम्मच डाल दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो करके थिक हो जाता है। तो आप पानी थोड़ा कम ज़्यादा भी रहेगा ना, तो ओट्स की ये क्वालिटी होती है कि ये धीरे धीरे थिक होने लगता है जैसे ही पकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदाजे से आप ले सकते हो। और थोड़ा पतला ही रखूँगी मैं, क्योंकि अभी उसको मैं थोड़ा पतला ही फॉर्म में देती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं सही रहेगा। तो उसके बाद अपनी ये जो चांदी वाली कटोरी है, इसी में ये मैं निकाल दूँगी। जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा और भी थिक हो जाएगा ये, तो मैं इसको निकाल दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1/4 बनाना की प्यूरी भी रेडी करके रखी है, तो वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे इस पर नमक, चीनी, ये सब कुछ भी डाल करके अभी बच्चों को नहीं देना है, वो बहुत छोटे हैं इसलिए। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर मैं बनाना प्यूरी ऐड कर दूंगी। तो ये मोस्टली बच्चों को पसंद आता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में एक बार आप ट्राई करके देख लो कि आपके बच्चे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ही कंटिन्यू करो, फोर्स मत करो। कई बार बच्चों को टेक्स्चर पसंद नहीं आता है, और ना बच्चों को खाना तभी शुरू करो जब वो खाने के लिए रेडी हो। कई बार देखा देखी हम शुरू कर देते हैं और बच्चे का मन नहीं करता, फिर हमें लगता है कि वो बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक्चुअली में अभी उसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हुई है, 5 मंथ के बाद बच्चे जो है ना वो सिग्नल देने लगते हैं कि हाँ उनको खाने का मन है। तो ये देखिए ये प्यूरी जैसे एकदम तैयार हो गया, कितना स्मूथ सा टेक्स्चर है ना। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि बच्चे को खाना कितना आसान रहेगा इसको। तो मैं यहाँ लेकर के आ गई हूँ। नॉर्मली मैं जो भी खाना उसको देती हूँ ना, वो 12 बजे तक दे देती हूँ। 12 बजे से लेट या 2 बजे के पहले पहले आपको दे देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, बच्चे को पूरे दिन भर का टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए।
तो कुछ भी होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सूट हो रहा है कि नहीं, बच्चे को कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है या जो भी है। तो इसीलिए 12 बजे तक अगर आप दे देते हैं, धूप में अच्छे से बैठा करके खिला रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छी धूप आती है हमारे घर पे, तो मैं यहाँ पर उसको खिला रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने बनाना डाल दिया था ना, तो उसको फ्लेवर थोड़ा सा जाना पहचाना भी लग रहा था, थोड़ी स्वीटनेस आ जाती है तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है। इतना छोटा बच्चा होता है तो उसको मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बनाना प्यूरी ऐड कर दी। इसमें बहुत सारी वेजीज़ वगैरह भी ऐड करूँगी मैं आगे चल करके, जो भी होगा व्लॉग्स में सारा दिखाऊँगी। बट यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ओट्स, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सेपरेटली शेयर कर देती हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए कैसे इंजॉय कर रहा, आराम से इसने खा लिया था, इसको ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इसको खिलाते हुए मुझे हो गए हैं 2-3 दिन, मैंने और भी खिला दिए, व्लॉग तो पहले का है बट अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसे 2-3 बार और खिला चुकी हूँ, तो इसको पसंद आ रहा है। अच्छा, खा तो लिया उसने, खाने के बाद मेक श्योर कि वो फिज़िकल एक्टिविटी खूब करे, उसका पेट वेट नहीं दबाना है लेकिन उसको खिलाना है, एकदम तुरंत सुलाना है। बच्चा ना अगर खा लिया है, पेट भर गया तो स्लीपी भी होने लगता है समटाइम्स, बट आपको उसको सुलाना नहीं है, उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट ही सही, लेकिन उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का खाना जो है ना वो अच्छे से अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है थोड़ा, उसके बाद उनको अच्छी नींद आती है और उनको पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खाना खिलाने के बाद उसको खिलाना है, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ दीजिए ताकि वो थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी करे, उससे थोड़ा सा थकेगा भी, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर हैप्पीली वो सोएगा। और जब इस टाइम पे सोएगा ना तो थोड़ा लंबा देर तक सोते हैं बच्चे। और मैं ये सब करने के बाद अभी उसको पानी नहीं दे रही हूँ, अभी मैं उसको अपना ब्रेस्ट फीड दूंगी और उसके बाद उसे थप्पी करके सुला दूंगी तो वो सो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं उसे 1 डे दे रही हूँ, जब वो 6 मंथ का हो जाएगा यश प्रॉपर, तब फिर उसके बाद उसको 2 या 3 मील्स जो है वो मैं दिया करूँगी, बट अभी 1 मील ही दे रही हूँ और अभी क्वांटिटी तो मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो यश जो है ना वो अभी इस तरीके से ही बैठता है सपोर्ट लेकर के, एकदम ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट भी नहीं दो और ऐसे बैठा दो तो बैठ जाएगा, ऐसा नहीं, तुरंत गिर जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पीछे सपोर्ट या कुछ ऐसे दे दो तो काफ़ी देर तक बैठ जाता है। तो अब 6 मंथ का होने वाला है तो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ तक बच्चे जो हैं वो बैठने शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर यश को मैं अब खिला दिया था मैंने 10 मिनट जैसा कुछ, उसके बाद अब वो अपने आप ही, उसका फेस जो है ना वो पहले हैप्पी हैप्पी था, अब वो थोड़ा सा रोने जैसा आंखें मसलने लगा, इट मींस कि अब उसको नींद आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको ब्रेस्ट फीड कराया, फिर इस तरीके से थप्पी करा के उसको मैं सुला दूँगी। तो अब इसके बाद वो आराम से एक लंबी नैप ले लेगा, सो के उठेगा, उसके बाद मैं उसे नहलाऊंगी। कभी कभी वो पॉटी कर लेता है, कभी कभी नहीं करता, बाद में करता है, तो जैसा भी होगा मैं उसके साथ कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने अपने बच्चों को कुछ नया ट्राई किया है तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा सबके साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care.